खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान वीडी शर्मा ने उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा किया। उपचुनाव में टिकट वितरण को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में वंशवाद नहीं चलता, यहां तो केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है कि किसे टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के कल्याण की योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिससे कोरोना से त्रस्त लोगों को राहत मिली। साथ ही कुपोषण समाप्त करने के लिए सांसदों को अपने अपने क्षेत्र का दायित्व सौंपा है। संगठन जब लड़ाता है, आज मेरा बुरहानपुर जिले का संगठनात्मक प्रवास है। संगठनात्मक प्रवास में अपने संगठन के कार्य विस्तार से लेकर कार्य के सुदृढ़ीकरण पर और बूथ सशक्तिकरण का जो हमारा अभियान है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आज उस पर बातचीत करने का प्रयास बुरहानपुर जिले के अंदर सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग करेंगे। साथ में ही आने वाला जो उपचुनाव है खंडवा लोकसभा का, उस खंडवा लोकसभा के उपचुनाव की तैयारी की दृष्टि से भी समीक्षा और आगामी रणनीति के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सक्रिय होकर के हम इस चुनाव को किस प्रकार से ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो नेतृत्व है बुरहानपुर और खंडवा जिले का, सभी मिलकर के इस लोकसभा के चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने के लिए जो रणनीति की तैयारी करना है, उसकी चर्चा भी हम आज यहाँ पर करेंगे।